ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं? तो भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया। बेटे समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन समय रुक गया, समय को रोक दिया। क्यों? क्योंकि बेटे भगवान कृष्ण को अब गीता का सार देना था। किसको? अर्जुन को, क्योंकि उसके बाद ही वो लड़ाई करेगा। जब तक उसके मन के सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाएंगे, शांत नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपने कर्म पे ध्यान नहीं देगा। तो भगवान को लगा कि अब इसको गीता का सार देना है। तो सबसे पहली बात गीता के सार में ये कहा, ये इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है और नश्वर है। सब बदलेगा और सब नष्ट हो जाएगा एक दिन, एक चीज को छोड़कर। एक्सेप्ट प्रोविजो लगाई, एक्सेप्ट प्रोवियो, प्रोवियन क्या प्रोवियो? एक्सेप्ट आत्मा। आत्मा जो हमारी बॉडी के अंदर है वो नहीं मरती, वो शाश्वत है। वो एक बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में चली जाएगी, उस बॉडी को छोड़कर तीसरी बॉडी में चली जाएगी। ये शरीर मर जाता है, नश्वर है, रिप्लेस हो जाता है। तो बेटे वहीं से कंसेप्ट शुरू हुआ रिप्लेसमेंट डिसीजंस का। बेटे मुझे एक चीज बता दीजिए, आप ये बताइए, क्या आप अपनी अपने कपड़ों को रिप्लेस नहीं करते? क्या आप अपने शूज को रिप्लेस नहीं करते? क्या आप अपने दोस्तों को रिप्लेस नहीं करते? क्या आप घर को रिप्लेस नहीं करते? बेटे रिप्लेस करना, बदलना, पुरानी चीज को फेंकना और नई चीज को लेना संसार का नियम है। तो बेटे आप बताइए, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, मैं कहता हूं अपोलो टायर्स, इसके पास एक पुरानी मशीन थी जो ट्यूब वाले टायर बनाती थी, ट्यूब वाले टायर बनाती है। अब बेटे समय बदल गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, आजकल ट्यूबलेस टायर बनते। बेटे उसमें ट्यूब होती नहीं, मतलब अगर ट्यूब नहीं होती और वो पंचर हो जाए तो टायर में इतनी जल्दी हवा नहीं जाती, एक आध दिन भी चल जाएगा, उसके बाद आप पंचर लगवा लो। तो बेटे मैं कह रहा हूं इनको एक नई मशीनरी खरीदने का विचार बन रहा है। इसका मतलब पुरानी मशीनरी ये चेंज करना चाहते हैं और नई मशीनरी लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट। दे वॉन्ट टू रिप्लेस ओल्ड एसेट, पुराने एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं नए एसेट से। बेटे संसार का नियम यही है, यही है। आप बताइए, जब आप छोटे थे तो आपके घर में एक वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। मेरे घर में तो अभी भी है, पुरानी सी होती थी बेटे, पुरानी सी होती थी, पुरानी सी। और बेटे मुझे याद है उसमें करंट भी लगता था, उसमें पानी डालना पड़ता था, ठीक है, पाउडर डालना पड़ता था, फिर मोटर ऑन करनी पड़ती थी, और कई बार वो हिलते नहीं थे कपड़े, हाथ से हिलाने पड़ते थे। बेटे आजकल आप देखो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। बेटे फुल्ली ऑटोमेटिक, पानी अपने आप चलेगा, सर्फ अपने आप वो लेगा, आपको प्रोग्राम में सेट करना है, हर चीज अपने आप होगी। बेटे नोकिया के फोन्स लेते थे आप, आजकल आप सैमसंग के फोन्स ले रहे हो। बेटे पहले ओनिडा टीवी पे टीवी देखते थे, आजकल तो ओनिडा कहाँ है पता भी नहीं चलता। बेटे एलईडी स्क्रीन्स ले रहे हो, सोनी की ले रहे हो, सैमसंग की ले रहे हो, बेटे कर्व स्क्रीन्स ले रहे हो, पता नहीं क्या क्या नहीं बदल गया। बेटे बेटे सवाल आता है कि रिप्लेस करना जरूरी है, बट सवाल है कि क्या अभी करें या कुछ दिनों के बाद करें? मुझे इस बात का यहां पर डिसीजन लेना है। सो एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर आई वॉन्ट टू डिसाइड, मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं क्या कि
कि नया एसेट जो नया एसेट मुझे खरीदना है, जो नया एसेट मुझे खरीदना है और पुराने को बेचना है और पुराने को बेचना है, नया एसेट खरीदना है पुराने को बेचना है, क्या अभी ऐसा कर लूं या कुछ समय के बाद। It means in replacement decision I want to decide whether old asset should be replaced or not. करना तो पड़ेगा बेटे, आज नहीं तो कल। तो मैं अब ये डिसाइड कर रहा हूं कि टुडे और आफ्टर सम पीरियड। तो बेटे रिप्लेसमेंट में हमें बदलना है। आपको मालूम है जी, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बेटे कोई भी इंस्टीट्यूट देख ले आप, जो हमारे कॉमर्स प्रोफेशन के इंस्टीट्यूट हैं बेटे, इनको अलग से पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनाया गया है। और बेटे इनमें लिखा हुआ है कि आपको 5 साल के अंदर अंदर अपना सिलेबस चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है। आप सोचिए कि मेरा इंस्टीट्यूट 1980 के एक्ट से बना, 1980 के एक्ट से बना, और अगर मैं अभी सिलेबस चेंज ना किया होता और 1980 के ही सब्जेक्ट में सबको पढ़ा रहा होता तो बेटे सारे कंपनी सेक्रेटरीज आउटडेटेड होते। कहने का मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, लेकिन आप हर रोज नहीं कर सकते। मान के चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जून में सिलेबस दूसरा है और दिसंबर में कोई नया सिलेबस लेके आ गई, फिर अगले जून में नया, फिर अगले दिसंबर में रिप्लेस, फिर जून में नया, फिर दिसंबर में रिप्लेस। बेटे अगर यही करते रहे तो बेटे आप बताओ कितनी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और बेटे कोई कोर्स करेगा ही नहीं। कहना क्या चाह रहा हूं, रिप्लेसमेंट करना जरूरी है लेकिन कब, इसी को तो निकालना है, अभी या कुछ दिनों के बाद। बेटे आप जैसे ही एक बच्चा रामलाल नया कंपनी सेक्रेटरी बना, वो बेटे जॉब में लगी उसकी, वो जॉब बेटे 30,000 रुपए पर मंथ की ज्वाइनिंग सैलरी लगी। बेटे बड़ी मेहनत की थी उसने सीएस बनते समय। बेटे जैसे ही इसको पहली बार सैलरी मिली, बेटे सारे पैसे इसने अपनी माँ को दे दिए। बेटे कहते हैं कि जब पैसे पहली बार मिले तो पेरेंट्स को देने चाहिए, बेटे बरकत पड़ती है। बेटे इसने सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए, मम्मी को दे दिए, और बेटे हुआ क्या कि माँ ने तो वापस कर दिए, बेटे पेरेंट्स सकते थोड़ी है, वापस कर दिए। तो बेटे इसके पास, रामलाल के पास शर्ट्स नहीं थी, तो रामलाल ने क्या किया, उस 30,000 में से 5,000 रुपए निकाल लिए और वैन हुसैन के शोरूम में चला गया। बेटे वैन हुसैन के शोरूम में चला गया और बेटे वहां जाकर शर्ट्स को पसंद करने लगा। बेटे शर्ट तो एक दो ही लेनी थी, लेकिन वहां की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बड़ी गॉर्जियस लुकिंग थी। बेटे क्या इंग्लिश मार रही थी, बड़ी गॉर्जियस लुकिंग थी। उसने रामलाल को कहा, सर आपका कलर ना फेयर है, आपको ना डार्क कलर्स अच्छे लगेंगे, डार्क। तो ये रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में आ गया और इसने बेटे 5 शर्ट्स 1,000 वाली ले ली। बेटे बताओ 5,000 रुपए की शर्ट्स लेकर आ गया, बेटे जोश था, बेटे पहली बार सैलरी मिली थी। अब आप ये बताइए घर में आगे क्या कहता है मम्मी को, मम्मी मैं मंडे को न्यू शर्ट पहनूंगा और जो शर्ट मैं मंडे को पहनूंगा मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, आप इस शर्ट को धोना भी मत, आप बर्तन वाली को दे देना और इसके बदले में बर्तन ले लेना, और मम्मी ट्यूसडे को फिर मैं न्यू, और मम्मी वेडनेसडे को भी न्यू, और मम्मी थर्सडे को भी न्यू, और मम्मी न्यू शर्ट फ्राइडे को भी पहनूंगा।
मम्मी 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 मैं सीएस मम्मी मैं ये बेटे ऐसा करेगा अगर रामलाल तो पहली बात कर तो सकता है जी, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन बेटे जब ये हर रोज अपनी पुरानी एसेट को रिप्लेस करेगा तो इसकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटे, इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ नुकसान कॉस्ट में होगा, लेकिन क्या पता इसके ऑफिस में कोई रिसेप्शनिस्ट भी हो और वो बड़ी गॉर्जियस लुकिंग हो, और जब मिस्टर रामलाल रोज ही नई शर्ट पहन के जाए तो क्या पता वो इम्प्रेस हो जाए। हाँ बेटे प्लस माइनस है, लेकिन बेटे रिप्लेसमेंट यहाँ रोज हो रही है। दूसरी चीज, श्यामलाल भी कंपनी सेक्रेटरी बना और बेटे वो दोस्त था रामलाल का, उसको भी 30,000 रुपए मिले महीने के, वो पहली बार सैलरी मिली, उसने भी माँ को दे दी, माँ ने वापस कर दिए, और वो बेटे 1,000 रुपए लेकर गया कहाँ, वैन हुसैन के शोरूम में, और बेटे वहां पे भी गॉर्जियस लुकिंग रिसेप्शनिस्ट थी। लेकिन ये उस मैडम के चक्कर में नहीं आया, इसने कहा मैडम मुझे तो एक ही शर्ट लेनी है, तो बेटा ये एक शर्ट 1,000 रुपए की ले आया और आगे मम्मी को क्या कहा, मम्मी आप इस शर्ट को धोना मत, धोना मत। हाँ मम्मी जब आप धोगे तो इसमें कॉस्ट ऑफ वाटर लगेगा, मम्मी कॉस्ट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, और मम्मी मैंने बड़ी मेहनत की है बेटा, मम्मी सीएस बनते बनते मैं इसी शर्ट को मंडे भी पहनूंगा, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, मम्मी मैं फ्राइडे तक एक ही शर्ट पहनूंगा, मम्मी मैं रिप्लेस ही नहीं करूंगा। अब करने को तो श्यामलाल भी ऐसा कर सकता है, क्या पता श्यामलाल के ऑफिस में भी बड़ी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुकिंग रिसेप्शनिस्ट हो, क्या पता वो पहले पास आके बात करती हो, और क्या पता वो दूर से करती हो टाटा बाय टाटा बाय। तो बेटे आप ये बताइए, रामलाल की पॉलिसी भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, रामलाल की पॉलिसी भी ठीक नहीं है और श्यामलाल की पॉलिसी भी ठीक नहीं है। बेटे रोज रोज रिप्लेस भी नहीं करना और हम रिप्लेस ना करें ये भी ठीक नहीं है। तो रिप्लेसमेंट करना है तो उसी को डिफाइन कर रहे हैं, वेन टू रिप्लेस फॉर फाइंडिंग आउट वेन टू रिप्लेस, फाइनेंस मैनेजर has to take replacement decisions, has to take replacement decisions। बेटे उसको replacement decisions लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो replacement decisions में हमने एक basic बात सीख ली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो चलिए जी दोस्तों, आज की जो क्लास है कैपिटल बजटिंग का जो लेक्चर 3 है, ये रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब है ओल्ड एसेट विल बी सोल्ड एंड न्यू एसेट विल बी परचेज्ड, पुराने को हम बेच देंगे और नए को खरीद लेंगे, इट इज नेम्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजंस। बेटे इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजंस, इसी को बोलते हैं बेटे। बेटे एक म्यान में कितनी तलवारें रहती हैं, एक म्यान में कितनी तलवारें रहती हैं, एक ही। तो जब नई तलवार खरीदोगे, नई तलवार खरीदोगे तो पुरानी फेंक दो, नई ले लो। मैं कहता हूं आप रिप्लेसमेंट डिसीजन में, मैं रिप्लेसमेंट डिसीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। रिप्लेसमेंट डिसीजंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हेन अनएक्सपायर्ड life of old asset is equal to life
of new asset और दूसरा बेटे दूसरा when unexpired life of old asset is not equal to life of new asset। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, बात आप खाली लिख लें, मैं अभी समझाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं बेटे। मैं पहले ये वाला केस करने वाला हूं, when unexpired life of old asset is equal to life of new asset, तो मैं बेटे यही काम करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने एक एसेट लिया और एक एसेट की लाइफ 10 इयर्स थी और आपने उसको 3 साल यूज भी किया, तो मैं कहता हूं कि आप T3 में पहुंच गए, अब आपकी लाइफ कितनी रह गई, 7 इयर्स। तो 7 इयर्स इज अनएक्सपायर्ड लाइफ। और अगर मैं इसी मोमेंट ऑफ पॉइंट पे नया एसेट न्यू एसेट खरीदने की बात करूं, तो बेटे न्यू एसेट यहां पर खरीदूं और उसकी लाइफ 7 इयर्स ही हो, ध्यान से देखिएगा, अगर उसकी लाइफ भी 7 साल ही हो, तो मैं क्या कहूंगा, अनएक्सपायर्ड लाइफ ऑफ ओल्ड एसेट इज इक्वल टू लाइफ ऑफ न्यू एसेट। चेक कर लीजिए, अनएक्सपायर्ड लाइफ ऑफ ओल्ड एसेट इज इक्वल टू लाइफ ऑफ न्यू एसेट, यहां पर तो सेम ही है, सेम है। तो मैं पहले इसी सिनेरियो को डिस्कस करने वाला हूं, बस बेटे आराम से। मैं कहता हूं जब दोनों की लाइफ सेम हो, तो फिर हमने एक चित्र बनाया था आपने, वहां निकाली उसी पीपीटी को निकाली, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपने एक चित्र बनाया था, उसमें सबसे पहले आपने यहां लिखा था when unexpired life of old asset is not equal to life of new asset equal to, मैंने बेटे गलती से बोल दिया equal to, मेरे बच्चे आए राम, बेटे गलती किससे नहीं होती, बेटे गलती किससे नहीं होती, equal to। तो पहला सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूं, when unexpired life of old asset is equal to life of new asset, और यहां लिखा था आपने मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस, जो मैंने ठीक करवाया था, स्टेप 1 और स्टेप 2 नीचे लिखिए। मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन मींस whether it is effective, whether it is effective to sell old and buy new, whether it is effective to sell old and buy new। तो बेटे मैंने कहा अगर life same है, if life is equal, then we will follow incremental approach। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, 1 घंटा होने वाला है, मैं तो खाली डिस्कस ही कर रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं कराया बेटा। मेरे में यही खासियत है कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट अंदर तक डाल दूंगा और फिर क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा और आप घर में भी करेंगे बेटे, यही तो फायदा है। आप भले मेरे से दूर हैं लेकिन बेटे मेरे दिल में रहते हैं बेटे, कुछ पास रह के भी याद नहीं रहते और कुछ दूर बैठ के भी बेटे भुलाए नहीं जाते, कुछ पास बैठ के भी बेटे अपने नहीं होते। तो आप दूर है ना, है तो मेरे मेरे है ना बेटे,
मैंने कहा इफ अनएक्सपायर्ड लाइफ ऑफ ओल्ड एसेट इज इक्वल टू लाइफ ऑफ न्यू एसेट तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर अप्रोच लगाएंगे। कंपेरेबिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। कंपेरेबिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो ये आप फ्लो चार्ट पहले ही बना चुके हैं। आपने यहां पर स्टेप नंबर वन ऑलरेडी प्रिपेयर किया था, अभी कर चुके हैं। यहां पे लिखा था आपने इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस और यहां पर क्या लिखा था इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस और फिर स्टेप नंबर थ्री इंक्रीमेंटल एनपीवी। बेटे एक बात मैं बता दूं, मैं कैपिटल बजटिंग में 65-70 क्वेश्चंस करने वाला हूं, अलग अलग 5-6 हेड्स में। मैं सभी क्वेश्चंस में एक बात का बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये निकालूंगा कि कैश आउटफ्लो कितनी है। बेटे कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। मैं हमेशा ये निकालूंगा हाउ मच इज कैश आउटफ्लो, फिर मैं निकालूंगा कैश इनफ्लो कितनी है, चाहे वो बेटे बेसिक कंसेप्ट वन हो चाहे वो बेसिक कंसेप्ट टू हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन हो, चाहे वो नए प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो कैपिटल राशनिंग हो, चाहे वो रिस्क अनसर्टेनिटी हो, मैं सभी में पहला स्टेप आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा, दूसरा स्टेप इनफ्लो निकालूंगा और फिर बेटे मैं स्टेप नंबर थ्री में डिसीजन क्राइटेरिया को यूज करूंगा। इन स्टेप थ्री आई विल यूज डिसीजन क्राइटेरिया और बेटे ज्यादातर मैं एनपीवी के बेसिस पे डिसाइड करूँ। आराम से बेटे लिख ले, पहले लिख लो। बेटे मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी को कि चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सबसे पहले कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा, फिर कैश इनफ्लो, फिर डिसीजन क्राइटेरिया। हाँ, रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपने एक अभी अभी चित्र बनाया, रिप्लेसमेंट डिसीजन में व्हेन टू मशीन्स हैव सेम लाइफ, रिप्लेसमेंट डिसीजन में जो अभी हम कर रहे हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर ओल्ड मशीनरी शुड बी रिप्लेस और नॉट। तो मैं साथ में अज्यूम कर रहा हूं when life is equal we will follow incremental approach। बेटे हम उस समय incremental approach follow करेंगे। इसको कुछ किताबों में differential approach भी कहा गया है और बेटे कुछ किताबों में कंपैरिजन अप्रोच भी कहा गया है। इसका मतलब जब लाइफ सेम हो, किसकी लाइफ सेम हो, अनएक्सपायर्ड लाइफ, जो अभी लाइफ अनएक्सपायर्ड है किसकी, ऑफ ओल्ड इज नॉट और इक्वल। दो केसेस बना रहे हैं, पहले मैं केस करा रहा हूं व्हेन इट इज इक्वल टू लाइफ ऑफ न्यू मशीन। जब बेटे ये दोनों इक्वल होंगी तो मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा बेटे उस केस में इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे और बेटे इंक्रीमेंटल में मैं जैसे बता चुका हूं कि पहला स्टेप आउटफ्लो होता है, तो यहां पर हम पहला स्टेप लिखेंगे या कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस और बेटे स्टेप टू कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस और बेटे स्टेप थ्री करेंगे इंक्रीमेंटल
एनपीवी, इंक्रीमेंटल एनपीवी। तो बेटे हम आउटफ्लो ही निकाल रहे हैं, इनफ्लो ही निकाल रहे हैं और एनपीवी ही निकाल रहे हैं, लेकिन बेटे इंक्रीमेंटल क्यों? क्योंकि हम दो मशीन्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा पांचवी क्लास का है, दूसरा भी पांचवी का है, तो मैं इनकी नॉलेज को कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं हर चीज को कंपेयर करूंगा कि अगर मैं नई मशीनरी खरीद लूं, इसको मैं क्या सोच के करूंगा, इफ आई परचेज न्यू एसेट, इफ आई परचेज न्यू एसेट, हाउ मच विल बी इंक्रीज इन कैश आउटफ्लो। मैं ये ऐसे करूंगा बेटे, हाउ मच विल बी इंक्रीज इन कैश आउटफ्लो, और इसको कैसे सोच के करूंगा, इफ न्यू मशीनरी और न्यू एसेट हैज बीन परचेस्ड, अगर मैं इसको खरीद लू, देन हाउ मच इंक्रीज विल बी इन कैश इनफ्लोस, तो कैश इनफ्लोस में कितना इंक्रीज होगा बेटे, एज इफ मैंने वो नई मशीनरी खरीद ली हो। आप बताइए, आप अपना नया मोबाइल फोन लेते हैं, आपके पास पुराना मोबाइल फोन है, आप नया टच स्क्रीन का मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, टच स्क्रीन, टच समझते हैं, टच स्क्रीन। आप करोल बाग गए या कहीं पर आप खरीदने गए, तो बेटे नया मोबाइल फोन आप खरीद रहे हैं, न्यू मोबाइल फोन यू आर परचेजिंग, आप नया मोबाइल फोन ले रहे हैं, मान लेते हैं सैमसंग का लेते हैं, बेटे 40,000 का नया मोबाइल फोन है, बेटे इसमें आपने लेमिनेशन कराई, मान लेते हैं 1,000 रुपए इसके लग गए, इसमें आपने एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड डलवाया, मान लेते हैं 800 रुपए उसके लग गए, बेटे इसमें कुछ आपने सॉफ्टवेयर डलवाए अपने मनपसंद के, 500 रुपए उसमें लग गए। तो बेटे मैं कहता हूं ये आपकी जेब से लग गया, और बेटे जो पुराना मोबाइल फोन था वो आपने बेच दिया 5,000 रुपए में। बेटे आप बताओ, एक ही मोबाइल फोन लेंगे ना, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, नया लेना पुराना देना। तो जब आप नया मोबाइल फोन लेते हैं तो मोबाइल फोन कितने का, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने की, उसमें जो मेमोरी कार्ड लगा वो कितने का, उसमें सॉफ्टवेयर जो डले वो कितने के, उसमें बाकी चीजें जो मैंने ऐड की वो कितने की, माइनस पुराना फोन, तो मेरी जेब से कितने गए बेटे, मुझे इतना बता दीजिए मेरी जेब से कितने गए। मैं कहूंगा जी मेरी जेब से 37,300 रुपए गए बेटे। इसी का नाम है इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। तो बड़ी सीधी सी बात है जी, रिप्लेसमेंट डिसीजन में व्हेन लाइफ इज इक्वल, तो आपका पहला स्टेप है इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। बेटे उसका फॉर्मेट आप लिख चुके हैं, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। तो यहां पर लिख रहे हैं जी परचेज प्राइस ऑफ न्यू एसेट, जो नया एसेट आपने खरीदा उसका बेटे परचेज प्राइस, जैसे नया मोबाइल फोन खरीदा। अब बेटे नए मोबाइल फोन में अगर आपने कुछ इंस्टॉल किया तो बेटे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अगर है तो, लो बेटे अगर है तो अगर है तो अगर है तो एक बच्चा कह रहा मास्टर इसमें रुक गया, अगर है तो, हाँ अगर है तो जरूर थोड़ी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस सुनो, जरूरी नहीं आप मेमोरी कार्ड लगाओ, जरूरी नहीं आप लेमिनेशन कराओ, माइनस सेल प्राइस ऑफ
ओल्ड एसेट, बेटे अगर आपने पुराना एसेट भी है और उसको बेच दिया, अब बेटे एक बात का ध्यान रखना है, अगर पुराना एसेट बेच दिया तो या तो प्रॉफिट में बिक सकता है और या वो लॉस में बिक सकता है। तो मैं लिख रहा हूं जी प्लस टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट और एसटीसीजी, अभी लिख ले मैं समझाऊंगा, आप लिख चुके वैसे टैक्स पेमेंट और एसटीसीजी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट। और अगर लॉस हो गया बेटे पुराने एसेट को बेचते समय तो टैक्स सेविंग ऑन एसटीसीएल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट, आराम से बेटे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट। बेटे मैं आपको इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालने का फॉर्मेट दे रहा हूं, मैंने कहा आपने नया एसेट जो खरीदना है उसका परचेज प्राइस लिखिए, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लिखिए, माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट लिखिए, प्लस टैक्स पेमेंट ऑन एसटीसीजी ऑफ ओल्ड एसेट लिखिए, माइनस टैक्स सेविंग और लॉस ऑफ ओल्ड एसेट लिखिए। इसके बाद दो चीजें और लिखनी है, पहले उसको लिख लेते हैं फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखिए और फिर माइनस टैक्स सेविंग ऑन, माइनस टैक्स सेविंग ऑन स्टेट्यूटरी रिजर्व्स, अगर कोई स्टेट्यूटरी रिजर्व्स बनाए तो उसकी टैक्स सेविंग लेस कीजिए। यहां पर आएगा बेटे इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, आराम से बेटे एज इफ न्यू मशीनरी, एज इफ न्यू मशीनरी हैज बीन purchased, as if new machinery has been purchased। अब बेटे आराम से concept समझना है, मैंने आपको एक बात बतानी है कि income tax act में एक section है 45, section 45 है income under the head capital gains। ये chapter ये कहता है कि आप कैपिटल गेन्स की इनकम कैसे निकालेंगे, ये कहता है इफ देयर इज अ ट्रांसफर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, अगर ट्रांसफर है, ट्रांसफर में क्या क्या आता है मेरे बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट में सेल आता है, एक्सचेंज आता है एक्सटिंग्विशमेंट, रीलिंक्विशमेंट भी आता है। और बेटे इफ दैट इज अ कैपिटल एसेट, आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं, मैंने तो कहा इनकम टैक्स एक्ट में वो कहता है जी अगर सूखी लकड़ियां हैं और चिंगारी है तो आग लगेगी। मतलब अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 है और सेक्शन 231 कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 45 में आग लगा दो, मतलब कैपिटल गेन निकालो। तो बेटे कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 45, बेटे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कि बेटे कितने पैसे में वो बिका, लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर,
ठीक है जी। तो यहां पर आ गया जी नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस बुक वैल्यू। बेटे आप ये बताइए बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बेटे प्लस आ गया तो एसटीसीजी और माइनस आ गया तो एसटीसीएल। एक बच्चा दूसरे बच्चे को हाथ मार रहा है, हाथ मार रहा है और ये कह रहा है कि यहां पर इंडेक्सेशन नहीं करेंगे क्या, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। मैं ये कह रहा हूं ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स में कभी भी गेन लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होता और इंडेक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म में होती है। तो मैं उस बात को भी लिखवा देता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स अंडर सेक्शन 50 गेन और लॉस विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म इन नेचर, हेंस नो इंडेक्सेशन इज नेसेसरी, इसलिए उसकी इंडेक्सेशन की कोई भी जरूरत नहीं। तो बेटे नोट वन आप ध्यान से देखें और मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट मान लेते हैं 50,000 रुपए का और सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट और पुराने एसेट की सेल प्राइस, पहला केस 50,000, दूसरा केस 80,000, तीसरा केस 40,000, किसी भी केस में हो सकता है बेटे। तो बेटे मैं कहता हूं सेल मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, एसेट मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 दोनों हैं, तो बेटे चार्जेबल सेक्शन लगेगा ना, चार्जेबल सेक्शन बताइए बेटे, चार्जेबल सेक्शन, सेक्शन 45 विल बी एप्लीकेबल। तो बेटे मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं केस वन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल प्राइस 50,000 लेस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 50,000। बेटे जीरो, ए मेरे बेटे नो एसटीसीजी नो एसटीसीएल। केस नंबर टू बेटे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी की बेटे, मैंने कितनी की अस्यूम की, 80,000 की बेच दी। इसको बेटे सेल प्राइस भी बोल सकते हैं क्योंकि बेटे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं है, तो इसको नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन भी बोल सकते हैं। और बेटे अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं तो बेटे इंडेक्सेशन तो करते ही नहीं मेरे लाल, लेस बुक वैल्यू 50,000 ये आ गया बेटे 30,000 बेटे एसटीसीजी आ गया। अब मुझे बता दो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बेटे टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स बच जाएगा। तो बेटे मैं कह रहा हूं इन केस ऑफ एसटीसीजी देयर विल बी पेमेंट ऑफ टैक्स, आराम से बेटे इन केस ऑफ एसटीसीजी
देयर विल बी पेमेंट ऑफ टैक्स, तो टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज टैक्स रेट इज 30%, सो इन दिस केस टैक्स पेमेंट ऑन एसटीसीजी विल बी 30% ऑफ 30,000, 30% ऑफ 30,000 दैट इज 9,000, 30% ऑफ 30,000 दैट इज 9,000। अब बताओ बेटे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, टैक्स अब तो देना पड़ेगा, टैक्स अब तो देना पड़ेगा। आप बताओ अगर मैं आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं तो टैक्स पेमेंट ऐड करूं या लेस करूं? ध्यान से बताना है बेटे, आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं तो टैक्स पेमेंट भी तो मेरी जेब से जा ही रही है, तो बेटे मैं कैश आउटफ्लो में ऐड करूंगा। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ये देखिए टैक्स पेमेंट को ऐड किया है, ऐड किया है। अब समझ आई? अब बेटे अगर आपने पुराना एसेट बेच दिया तो बेटे उस पे जो टैक्स बना एसटीसीजी के ऊपर उसको देना पड़ेगा, इसलिए आउटफ्लो में ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं आ रहा हूं आपके सामने थर्ड केस लेकर। मैं कहता हूं जी तीसरा केस क्या है, केस थ्री। केस थ्री, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। पुराना एसेट मैंने 40,000 में बेच दिया, 40,000 लेस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बेटे 50,000। बेटे लॉस आ गया, बेटे मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर लॉस आ गया तो बेटे आप इतना बता दीजिए कि मेरा ये टैक्स अंडर सेक्शन 70, 71, 72 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 70, 71, 72 या सेक्शन 80 और अप टू 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, लॉस कैन बी सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। बेटे एक चैप्टर है बेटे सेक्शन 70 से 80, उस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। आपने एक्चुअली में चैप्टर का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा आज तक। आप पता कैसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जबकि चैप्टर का नाम ये नहीं है, सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो बेटे ये आपके सामने सेक्शंस हैं जो हमें समझने हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अंडर सेक्शन 70 एसटीसीएल कैन बी सेट ऑफ, सो टैक्स सेविंग ऑन एसटीसीएल will be a kind of reduction in cash outflow। आराम से बेटे, will be a kind of reduction in cash outflow। तो बेटे 30% of 10,000 3,000 rupees will be tax saving। आराम से बेटे,
3,000 रुपए टैक्स की बचत होगी, 3,000 रुपए टैक्स की बचत होगी, 3,000 रुपए टैक्स की बचत होगी। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर ये 3,000 रुपए की टैक्स की बचत होगी तो अब बताइए आउटफ्लो में ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, मतलब आपकी आउटफ्लो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए बेटा लेस कर रहे हैं। अब एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है क्या दोनों भी हो सकते हैं? मैंने कहा क्या आप पास और फेल दोनों हो सकते हो, या तो पास हो गए या फेल हो गए, या गेन होगा या लॉस होगा, कैसी बातें पूछते हो बेटे, शर्म भी नहीं आती पूछते हुए? दोनों हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बेटे या तो गेन होगा या लॉस होगा, और गेन होगा तो टैक्स की पेमेंट करेंगे, और लॉस होगा तो टैक्स की बचत होगी। बचत कम करेंगे आउटफ्लो से, पेमेंट ऐड करेंगे। आराम से समझ आया बेटे? लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, मैंने लिखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप मुझे इतना बताइए कि ओल्ड एसेट था जब तो 50,000 रुपए की रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह वगैरह का खर्चा आता था, या ऐसे बता दीजिए मेरे को कि बेटे एक छोले भटूरे वाला था, छोले भटूरे की उसने एक रेडी लगाई हुई थी बेटे, उसमें वो छोले भटूरे बनाता था, कढ़ाई थी, घी था, गैस थी बेटे, प्लेटें थी, भटूरे थे, वो बेटे छोले भटूरे बनाता था, और उस छोले भटूरे बनाने में उसकी वर्किंग कैपिटल लगती थी 50,000 रुपए की, मतलब मैदा, छोले वगैरह वगैरह सामान जो लाता था रोज, वो 50,000 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट लग गई थी, या चलिए 50,000 ज्यादा लग रहा है आपको, तो 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती थी, हर रोज 5,000 रुपए आते थे, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देता था, फिर आते थे, फिर इन्वेस्ट कर देता था, मतलब 5,000 रुपए उसके ओनर एवरेज लगे ही रहते थे। उसको ऐसा लगा कि मैं अब चाट पापड़ी की दुकान भी साथ में खोल लेता हूं, क्योंकि छोले भटूरे तो